कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नेम्ड द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोरसेथ द्वारा लिखा हुआ सेकेंड पार्ट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का द ब्लैक एरोप्लेन हम लोग पढ़ेंगे। ये कहानी, ये स्टोरी एक एरोप्लेन के बारे में है। किसके बारे में है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के साथ, एरोप्लेन का नाम ब्लैक क्यों रखा गया एंड व्हाट हैपेंड टू दैट वेरी एरोप्लेन वी विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। लिखा है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वी आर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरे पीछे चंद्रमा आ रही, मेरे पीछे पूर्व से चंद्रमा ऊपर आ रहा था, मेरे पीछे पूरब से चंद्रमा ऊपर आ रहा था, तारे चमचमा रहे थे, ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, ठीक है। एंड देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं आकाश में, है ना, अकेला उड़ रहा था, मैं आकाश में अकेला उड़ रहा था और कंट्री साइड के रास्ते, ठीक है, है ना, और सब लोग सो रहे थे, समय रात का था, सब लोग सो रहे थे, मैं आकाश में अकेला उड़ रहा था, ठीक है, आकाश में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड टकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ठीक है, मैं अपना एरोप्लेन डकोटा, मैं अपना एरोप्लेन डकोटा उड़ा रहा था, ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। फ्रांस से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। मैं कौन नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। मैं ख्यालों में था, मैं सपने में था होलीडे मनाने का, छुट्टी में समय अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, है ना, अपने होलीडे मनाने का सपना देख रहा था। कौन? नरेटर, ठीक है, मैं अपने फैमिली के साथ होलीडे स्पेंड करने का सपना देख रहा था, ठीक है, दिक्कत। आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग। कितना हो रहा था? मैंने अपना घड़ी देखा, 1:30 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 1:30, है ना। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल कर देना चाहिए, पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैं जो एरोप्लेन, है ना, आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैं एरोप्लेन के बाहर खिड़की से देखा तो मुझे रोशनी आ रही थी, शहर की रोशनी आ रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, है ना, मैंने रेडियो ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, ठीक है, कॉल कहाँ, कॉल लगाया कहाँ, पेरिस कंट्रोल, और इसने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, है ना, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, है ना, मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ, ठीक है। किसने बोला? नैरेटर ने। द वॉयस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू। उधर से रिप्लाई में आवाज़ आया, है ना, कॉल कहाँ लगाया था, पेरिस कंट्रोल, तो उधर से भी आवाज़ आया, है ना, क्या आवाज़ आया कि DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, यहाँ से आप 12 degrees वेस्ट की तरफ मुड़िए, DS-088 ओवर, ठीक है, पेरिस कंट्रोल ने क्या निर्देश दिया कि यहाँ से आप 12 degrees वेस्ट की ओर बढ़िए, है ना, मूव कीजिए। आई चेक द मैप
and the compass, switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degree west towards England. मैंने अपना मैप चेक करा, कंपास चेक करा, ठीक है, और मैंने अपना दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक भी ऑन कर दिया, ठीक है, समझ में आया बात। मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया और अपना फ्यूल टैंक जो मेरा आखिरी बचा हुआ था उसको ऑन कर दिया, ठीक है, और डकोटा से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहाँ, इंग्लैंड की तरफ मुड़ गया, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लूँगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं कर लूँगा समय पे पहुँच के, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कौन सा ब्रेकफास्ट, इंग्लिश, बिहार में हो बिहारी ब्रेकफास्ट, है ना, इंडिया में इंडियन ब्रेकफास्ट, है ना, इंग्लैंड में इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा, समय पे पहुँच जाऊँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बहुत आसान था और बहुत आराम से मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स, ठीक है, जब मैंने बादल की तरफ देखा, है ना, तो पेरिस जो है ना 150 किलोमीटर पीछे था, ठीक है, मतलब ये 150 किलोमीटर पेरिस से आगे, ये जा कहाँ से कहाँ था, कहाँ रहा था, पेरिस से फ्रांस से कहाँ, इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है, और पेरिस पीछे छूट गया, ये आगे निकल गया था और पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था, ठीक है, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म, आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स दे वेयर ह्यूज, देखिए पेरिस तो अब 150 किलोमीटर पीछे था, मैं जब क्लाउड की तरफ देखा, बादलों की ओर देखा, वो बादल तूफानी क्लाउड्स थे, कैसे क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे, दे वेयर ह्यूज, ह्यूज थे, एंड दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेंस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ठीक है, और वे जो है ना ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे थे, कौन, वो जो क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स थे ना, वो बहुत ह्यूज माउंटेन की तरह दिख रहा था, ब्लैक माउंटेन की तरह, ठीक है, मेरे सामने है ना क्लाउड जो है ना वो माउंटेन की तरह दिख रहा था, ब्लैक माउंटेन की तरह, समझ में आया बात। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, देख मुझे मालूम चल चुका था कि मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ वहाँ, ठीक है, और ना तो मेरे पास इनफ फ्यूल है, ना तो मेरे पास इनफ फ्यूल है ना, ज़्यादा तेल है जो कि मैं इधर उधर मूव कर सकूँ, है ना, नॉर्थ साइड साउथ साइड कहीं भी जा सकूँ, ठीक है, मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था, ठीक। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि बैक हो जाते हैं पेरिस की तरफ, मैंने क्या सोचा, पेरिस की तरफ पीछे चले जाते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी तो जाना था, मुझे घर जाना था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं पेरिस की तरफ पीछे मुड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर मैं सोचा कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, और वहाँ का ब्रेकफास्ट करना चाहता था, अपने परिवार के साथ हॉलीडे स्पेंड करना चाहता था, किसका, हाँ, आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू डैट ओल्ड डकोटा स्टेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने रिस्क लेने का सोचा, मैंने और मैं उस ओल्ड डकोटा को सीधा उस तूफान के अंदर उस ओल्ड डकोटा को ले गया। आई इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जब मैं क्लाउड के अंदर गया तो चारों तरफ क्या हो गया था, अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखना भी संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, ये जो डकोटा था ठीक है वो ट्विस्ट करने लगा, हिलने डुलने लगा, ठीक है, उस तूफान में हिलने डुलने लगा। आई कुडंट बिलीव माई आइस, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड,
मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। कंपास जो है ना वो भी जो है ना मूव करने लगा था, राउंड 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 मूव करने लगा था, ठीक है। ऐसा महसूस हुआ जैसा कि वो डेड हो गया। कंपास मतलब काम करना बंद कर दिया था उस तूफान में। कंपास जो कि डायरेक्शन दिखाता है ना, वो कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू। कंपास तो काम नहीं कर रहा था, उसके साथ ही साथ और जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो चुके थे, बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो चुके थे। मैंने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने रेडियो ट्राई किया, देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी डेड हो चुका था, रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था, ठीक है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना तो मेरे पास कंपास था ना तो मेरे पास रेडियो था, और मैं कहाँ पे हूँ ये भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था। मैं देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एरोप्लेन ब्लैक क्लाउड के अंदर था, चारों तरफ क्या था, अंधेरा था, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में, उस आंधी में, उस तूफान में गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर अचानक मैंने अपने करीब, मैंने अपने बगल में एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे, किसके, वो दूसरे वाले एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मेरे बगल में मेरे साथ ही चल रहा है, ठीक है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैंने देखा उसमें जो पायलट बैठा था उसका चेहरा, मैंने देखा उसका चेहरा मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे उस तूफान में दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, वेव, ओके, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उसने बोला मुझे कि मुझे फॉलो करो। किसने कहा, उस पायलट ने, दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने मुझे कहा कि मुझे फॉलो करो। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि उसे पता है कि मैं इस तूफान में फंस चुका हूँ, गुम हो चुका हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो दूसरा एरोप्लेन का पायलट मेरी मदद करने का कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने अपना एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ा, ठीक है, मेरे डकोटा के निकट लाया, ठीक है, ताकि मुझे उसको फॉलो करना क्या हो, आसान हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था, है ना, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे फॉलो करते हुए मैं जा रहा था जैसे कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड हूँ, ठीक है। मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे उसको फॉलो करता हुआ जा रहा था। आफ्टर आवर, हाफ एन आवर, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, आधे घंटे बाद वो स्ट्रेंज एरोप्लेन अब भी जो है ना क्लाउड्स में था, ठीक है, वो स्ट्रेंज एरोप्लेन आधा घंटा बीत चुका था, वो अब भी क्लाउड्स में था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे पास बहुत कम तेल बच गया था, ठीक है, जिससे मैं 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था, ठीक है, मेरे पास बहुत कम तेल बच गया था जिससे मैं 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने मुझे फिर से घबराहट होने लगी क्योंकि मैं अब 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था, मुझे फिर से डर लगने लगा क्योंकि मेरे पास तेल नहीं था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर तभी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो डाउन होने लगा और मैं भी डाउन होने लगा उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक से मैं क्लाउड से बाहर आ गया, मैं क्लाउड्स के बाहर आ गया, मुझे दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स दिख रहे थे लाइट के, मेरे सामने दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स मुझे दिख रहे थे। इट वॉज अ रनवे, वो क्या था, एक एयरपोर्ट था, रनवे था, ठीक है, एयरपोर्ट का रनवे था, मुझे साफ साफ दिख रहा था। आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक
फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, मैं सेफ था, मैं बच गया था, मैं पीछे मुड़कर उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ मुड़कर देखा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, आकाश पूरा खाली था, वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन गायब हो चुका था, ठीक है, चला जा चुका था, कहीं गायब हो चुका था, मुझे कहीं पे ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा था जो उसको हेल्प कर रहा था, वो एरोप्लेन इसको कहीं पे भी नहीं दिखा। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड किया, मैं अपने ओल्ड डकोटा से बाहर निकल के कंट्रोल टावर तक जा रहा था, ठीक है। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं कंट्रोल सेंटर टावर के पास गया, वहाँ बैठी महिला से मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ जो पायलट था, द अदर पायलट है ना, वो कहाँ है। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। किसने बोला? नैरेटर ने, है ना, किससे पूछा? कंट्रोल टावर में जो बैठी महिला थी उससे पूछा कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड दे लाफ्ड, वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखी है ना और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन इस आंधी में। नो अदर एरोप्लेन्स वी आर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका ही एक लौता एक ही एरोप्लेन था जो मैं रडार में देख पा रही थी, ठीक है, कोई दूसरा एरोप्लेन आज नहीं उड़ा है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो मेरी मदद बिना कंपास के बिना रेडियो को किसने किया? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में तेल भी ज़्यादा नहीं थे, मेरी मदद किसने की? ना तो मेरे पास कंपास था, ना तो मैप था, ठीक है, ना रेडियो था, ठीक है, किसने मदद की? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था जो इस तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था? समझ आया? आया समझ में? इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग करके लाएंगे, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, है ना, पॉज पॉज।